लुधियाना के चंडीगढ़ रोड स्थित गलाडा ग्राउंड में 4 दिन तक चलने वाले मैक ऑटोमेशन प्रदर्शनी के रस्मी उद्घाटन भारत सरकार के एमएसएमई बोर्ड के डायरेक्टर एसएन त्रिपाठी ने किया। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और उड़ान कम्युनिकेशन की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से मशीन टूल व ऑटोमेशन पर फोकस किया गया है। 300 स्टॉल वाली इस प्रदर्शनी में जर्मनी, जापान, कोरिया सहित कई देशों के उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में इंडस्ट्री को अपग्रेड करने वाले उत्पादों की भरमार है। इसमें मशीन टूल्स, फोर्जिंग, हार्डनिंग एवं हीटिंग मशीन, लेजर, प्लाज्मा, वाटर यूनिवर्सल, रोबोटिक, पावर प्रेस एवं मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कटिंग टूल सहित प्रमुख उत्पादों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें सारे PSUs को सेंट्रल गवर्नमेंट के 20% MSME से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है और 4% आउट ऑफ दियर टोटल प्रोक्योरमेंट उनको खरीदना है SC ST ओन एंटरप्राइजेस से। उनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए एक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का कार्यक्रम है, जिसमें के तहत आज यहाँ लगभग 300 के आसपास कंपनियाँ हैं और 17 से ज़्यादा स्टेट्स के लोग आए हुए हैं और हमें लग रहा है कि ये कंपनियों के लिए फ़ायदा होगा, जो एग्जीबिटर्स हैं और जो प्रोजेक्टेड बायर्स हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। MSME के SN त्रिपाठी ने कहा कि पंजाब में लुधियाना MSME का मदर हब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल लुधियाना में ही MSME के कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि अगर उत्पादों का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो नई तकनीक को शामिल करने की जरूरत है। वह प्रदर्शनी में पहली बार यूनिवर्सल रोबोट भी प्रदर्शित किया गया, जो कि कई उद्योगों में प्रोडक्शन बढ़ाने व सेफ्टी के लिए फायदेमंद है। वो अपना कोलैबोरेटिव रोबोट्स शो कर रहे हैं और ये रोबोट्स ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। दीज आर ऑल्सो वर्क ऑन द इंडस्ट्री 4.0। उसके साथ हम लोग पहली बार लुधियाना में अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट एप्लीकेशन दिखाए जा रहे हैं, लाइक इंस्पेक्शन, दूसरा आपका पिक एंड प्लेस, तीसरा आपका पैलेटाइजिंग एंड और कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन में हम लोग ये रोबोट यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लुधियाना वैसे भी आयरन सिटी कहा जाता है और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, साइकिल इंडस्ट्री इज़ अ बिग स्कोप फॉर अस एज वेल एज सम स्मॉल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उनको ये प्रोडक्ट दिखाएं, अब वो लोग इन प्रोडक्ट को यूज़ करें, आगे चल के मुझे लगता है कि अच्छा बिजनेस किया जा सकता है लुधियाना में।